सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। और यहाँ पे मेरी आवाज़ जो है थोड़ी सी देरी हो जाएगी क्योंकि मैं बोल नहीं रही हूँ, इसमें सो रहे हैं, मतलब मेरे पतिदेव जो है वो सो रहे हैं इसीलिए। तो गुड मॉर्निंग सबको। और आज है शिवरात्रि और आज मेरे चैनल को पूरा एक साल हो गया है और मैं आप लोगों से इस बारे में ज़रूर बात करूँगी। बट उससे पहले मैं बता दूँ तो आज घर में पूजा है और जो खाना पीना है मैं सब कुछ घर पर ही बना रही हूँ, मतलब ऑलमोस्ट मैं घर पे बना रही हूँ, बाहर से नहीं मंगाया मैंने कुछ भी। तो एक तरफ जो है वो खीर चढ़ी हुई है और दूसरी तरफ मैं छोले बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो खाना काफ़ी मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में बनना है इसलिए मैं इतने बड़े पतीले में बना रही हूँ और ये पतीला ज़्यादातर रेस्टोरेंट वगैरह में यूज़ होता है, बट मैंने मंगा लिया है इसलिए। और मेरा मसाला जो था वो बनकर तैयार हो गया। आप अगर बोलोगे तो मैं आपको बाद में छोले की रेसिपी बताऊँगी कैसे बनाती हूँ मैं। आज घर में एक छोटी सी पूजा रखी गई है सत्यनारायण भगवान की और बहुत दिन से चल रहा था हमारे मन में कि पूजा करा लेते हैं। तो वही सब सारी तैयारियां चल रही हैं और ये नीचे का फ्लोर है हमारा जहां पर हम लोग बैठते हैं और मतलब हॉल टाइप आप समझ लीजिए। और बस मैंने वीडियो नहीं बनाया, इसमें छोटे छोटे क्लिप्स हैं तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये हो रही है हमारी मतलब पूजा कर रहे हैं यहाँ पर और चलिए आप लोग पूजा इन्जॉय कीजिए, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। बोलिए सच्चे दरबार की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। अपने बात सब लोग अपने भाषा में है जी। हिंदी हाँ हिंदी में बोल, हिंदी में बोल रही सब कोई। एक समय की बात है, नारद जी अग्नि प्रज्वलित रह के चाहिए, बताइए ना चाहिए वो साइड में कैद ना हो, डाल लीजिए कपूर ना ना आप तो पकड़ लो कोई कटो, इसमें थोड़ा घी खराना खराइए ना क्या थोड़ा सा दो सोचो मसाला के दो चम्मच डाल दीजिए तीन आप दे देंगे उतने में भी हो जाएगा। जितने बार दवा लोगो देना पड़ेगा ना, तीन बार के बाद घी से ही होता है, जितने बार हवन होगा उतने बार घी के पहला तीन को है नहीं हो सकता आपके वाले हम लोग के हर जगह किताब में लिखा हुआ है। पते नमः इदं क्षेत्राधिपते स्वाहा, ओम इंद्रादि दस दिग्पाल देवताभ्यो नमः इदं तेभ्यं स्वाहा, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः इदं तेभ्यं स्वाहा, ओम कुल देवताभ्यो नमः इदं तेभ्यं स्वाहा, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः इदं तेभ्यं स्वाहा। अब 108 या 28 बार सत्यनारायण भगवान के नाम से नाम की दे दीजिए। हाँ तो 108 बार माला है, माला नहीं है तो अंगुली तो कीजिए 108 बार दीजिए। स्वाहा 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 स्वाहा। Guru Jai 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 Guru Jai
किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी, तुम थक गई थक। सो मैं आ गई हूँ अगेन, और आपने जैसे कि पूजा वाला ब्लॉग देखा और वो ब्लॉग कर लिया था, आज मैं अपनी बात को कंटिन्यू कर रही हूँ। मतलब कि मेरे चैनल को पूरा एक साल हो गया है, शिवरात्रि के दिन ही मैंने स्टार्ट किया था और बहुत होप के साथ स्टार्ट किया था कि हे भगवान इस चैनल को कंटिन्यू करना, तो वही हुआ सेम चीज़। आप लोगों ने मेरा काफ़ी सपोर्ट किया और जो चीज़ मैंने सोची नहीं थी अकॉर्डिंग टू मी उतना काफ़ी है कि मुझे लगा था मैं एक साल के अंदर अपना चैनल मोनेटाइज करा लूँ, एडसेंस का पिन वगैरह जो है वो क्लियर हो जाए, तो वो चीज़ें हो गई। और इस चीज़ में सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने कहा नहीं नहीं हो जाएगा, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि जब 700-800 थे तो मैंने मतलब कभी कभी होता 10 भी नहीं पढ़ रहे थे, 5 भी नहीं पढ़ रहे थे, मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। बट कहते हैं ना कि जब ऊपर वाला जो चाह लेता है वो होता है। काफ़ी ऐसा टाइम आया कि मुझे लगा उसे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि क्या होता था कि कुछ पड़ोसी हैं हमारे जो वीडियोज़ मेरे देखते थे और वो ऐसी ऐसी बातें निकालते थे जो मुझे अच्छा नहीं लगता था, गुस्से में आकर मेरे वो वीडियोज़ भी डिलीट मारे। बहुत सारी चीज़ें हुई इस साल के अंदर, या कई बार ऐसा हुआ कि मैं खुद ही चैनल को बंद कर दूँ। ऐसे ऐसे इंसिडेंट होते थे ना, मैं परेशान हो जाती थी, फिर एडसेंस का पिन आने के लिए हुआ तो मुझे लगा पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, बहुत काइंड ऑफ नेगेटिविटी भर गई थी मेरे अंदर खुद ही। पहले जब बोलती थी नहीं चलेगा चलेगा, फिर मुझे लगा यार मुझे नहीं लगता मेरा चल पाएगा। और साल भर के अंदर मैंने बहुत कम वीडियोज डाले क्योंकि मैं डेली ब्लॉग अपडेट करती थी, बट मुझे क्या था कि मैं आप लोगों से आप मुझसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, मैं आपसे कनेक्ट हो रही थी बट आपका कनेक्शन मुझसे नहीं बन पाया। अभी तक तो नहीं है ऐसा कि आप मुझे ब्लॉग देखना पसंद करें, कुछ वीडियोज़ होते हैं जिनको आपने बहुत पसंद किया, अप्रिशिएट किया, इवन बहुत सारे आप कमेंट करके अपने क्वेश्चन भी पूछते थे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और मैं बस इतना चाहूँगी आने वाले टाइम में आप अपने आप को मुझसे कनेक्ट कर पाए, मेरे वीडियोस को रेगुलर देखना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि बाकी लोग भी तरह मेरी भी जर्नी अच्छी जाए, तो मैं बस इतना ही चाहूँगी कि मेरे वीडियोस को देखना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना स्टार्ट करें और सपोर्ट करना स्टार्ट करें। जो लोग करते हैं उनके लिए यही है कि आगे भी करते रहिए, और अगर किसी भी चीज़ के बारे में आपको लगता है कि मैं आपको बता सकती हूँ या आप मुझे बता सकते हो, तो दोनों चीज़ें करनी है हमें, ताकि इस साल जो 2 है वो 2 लाख हो, और फिर ये जर्नी आज मैंने से सुना रही, फिर हम सेम डे पे मतलब सेम टाइम पे पूरे 1 साल बाद में आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। और आपकी दुआएं जो है वो बहुत काम आती है सबके, तो बस मेरे साथ भी बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट जरूर करके जाना है। मैं मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए।